ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग इससे बेहतर हो सकता है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओके आर यू ऑल एक्साइटेड यस ओके तो हम बात करने जा रहे हैं कि रियल एस्टेट बिजनेस को कैसे आगे करें आप सब लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत जानते हैं बट इसके आगे की लेवल की हम बात करेंगे ठीक है तो मैं पूरा एक बार ओवरऑल बता दूंगा कि रियल एस्टेट कैसे काम करता है तो सबसे पहले हमें समझना है कि रियल एस्टेट है क्या रियल एस्टेट जैसे अर्थ इमोवेबल प्रॉपर्टी होती है उसका जब भी आप सौदा करते हैं खरीदते बेचते हैं या किराए पे देते हैं पर किराए के देने के बाद आप उसका रखरखाव या मेंटेनेंस भी करते हैं उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और जब आप सेल करते हो तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है उसको पूरा कंप्लीट करने में मदद करते हो दोनों की और यहाँ पर नेगोशिएट करने की कला हमारे अंदर होनी चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बाकी इसके लिए अगर बोले कि क्या पहले से जरूरत क्या है प्रीरिक्विजिट क्या है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको अच्छी क्योंकि आप जब कोई सामान बेचते हो सकता है इतना बढ़िया आपको बोलना नहीं आता बट अगर मुझे एप्पल का मोबाइल बेचना है तो उसके रेट फिक्स है सब कुछ फिक्स है तो जो आएगा बस उसे देना है आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताने हैं बट यहाँ पे जब आप कोई गुड्स एंड सर गुड्स नहीं बेच रहे हो कोई चीजों का नहीं लेन देन कर रहे हो तो आप सर्विसेज दे रहे हो तो यहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल का इंपॉर्टेंस रखता है और कम्युनिकेशन स्किल को अगर हम थोड़े में बोले तो आपको हमेशा पोलाइट रहना है बस अगर बहुत कुछ नहीं भी समझ में आता तो आप कभी गुस्सा नहीं होते और हमेशा आप अगर स्माइल करते रहते हैं तो ये आप यहाँ पर सीखने की जरूरत ये है कि जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो लगता है कि तुरंत फ्लैट नहीं दिया बंदे ने जब मैं आज कॉलिंग करता हूँ बट उसका जो रिजल्ट है हमेशा वक्त लेता है जब आप एक्शन डालते हैं और जब आप रिजल्ट आता है इसमें समय लगता है और बहुत सारे लोग इतना वेट नहीं करते पेशेंस नहीं होता और बोलते हैं यार कुछ भी नहीं हो रहा 50 कॉल किए बट ये 50 कॉल का जो रिजल्ट है आगे 3 महीने में आपको दिखेगा जो भी एक्शन आप कर रहे हो आज जो करोगे उसका रिजल्ट 3 महीने बाद रियल एस्टेट में मिलते हैं जॉब में तुरंत मिलता है जॉब से जो और छोटा लेवल है गिरा हुआ जो एडहॉक बेसिस पे करते हैं अभी खड्डा खोद 50 रुपए ले तो जो डेली वेजेस पे हम बोलते हैं जो सबसे गरीब लोग हैं जो इंस्टेंट देखते हैं रिजल्ट अभी काम किया अभी पैसा चाहिए यू नो एम्प्लॉई 1 महीने की सोचता है 1 तारीख को पेचेक मिलेगा बिजनेसमैन 3 से 5 साल देखता है तो आपको वो विजन होना चाहिए इवन जो भी आप एफर्ट आज डालेंगे आज खराब सर्विस की अभी एकदम से कोई नहीं आपको मारेगा बट उसका जो इम्पैक्ट आएगा 200-250 लोगों को जो खराब मार्केट में करेंगे वो 3 महीने में समझ में आएगा आपने एक गलती की थी उसने 10 लोगों को जाके बताया 10 ने 100 लोगों को बताया कि ये लोग गलत करते हैं इनका काम ऐसा है तो आप ये बच नहीं सकते हर एक एफर्ट आपका चाहे वो अच्छा है बुरा है वो काउंट हो रहा है एक्युमुलेट हो रहा है और जब वो भर जाता है तब आपको उसके परिणाम दिखते हैं चाहे आप गलत करते जा रहे हो आज फंसा रहे हो कितने तो भी रियल एस्टेट में लोग आए और वो बोलते थे कुछ तो नहीं हुआ मैंने इसको ऐसे कर दिया वैसे कर दिया बट वो 6 महीने बाद चले गए बिजनेस से आप अच्छा करते रहे कच्चे पता नहीं लोग आपको ढूंढ ढूंढ के कहां कहां से आके आपको कॉल कर रहे हैं अगर आप मेरे फोन को देखोगे तो 90% ऐसे कॉल है जो मेरे सर्विस के लिए तरसते हैं सनत जी आप प्लीज देखिए ये होता है पैसे से ज्यादा जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है जब कोई आपके बारे में अच्छा कहे है ना तो ये आप इसीलिए मैं कह रहा था सर्विस तो रियल एस्टेट जैसे आप सभी ने बताया ये क्या है जो मूवेबल चीजें नहीं है उन चीजों का लेन देन में मदद करता है जो रियल एस्टेट एजेंट है और जब किराए पे देते हैं तो किराए पे उसका किराए पे देने के बाद अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ गई है उसकी पेंटिंग रिक्वायरमेंट है कुछ मेंटेनेंस चाहिए ये सर्विस हम देते हैं और नेगोशिएशन हमारा सबसे बढ़िया जो जितना अच्छा नेगोशिएटर होगा वो उतना अच्छा बढ़िया डील करेगा और सारे प्रोसेस में हर एक आदमी का यहाँ पर ईगो ज्यादा होता है क्योंकि इंडिया में आप लोग जानते हैं सबके अपने घर होना ही बहुत बड़ा सपना होता है और जिसने घर ले लिया है उसका यहाँ ऐसे रहता है कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ पूना में घर है मेरे पास तो ये ईगो वाले होते हैं आप जितना इनका ईगो मसाज करेंगे उतना ही आपको बेहतर मानते हैं बाकी चीजें उनको उतना टेक्निकली आप नहीं बता पाते चलेगा वो सब जानते हैं बट आप कितना अच्छा पोलाइट हम्बल और उनको ऐसे बताते हैं सर आप तो भाई मैंने ये तुषार जिससे मैंने बात की ऐसा कुछ नहीं था कि वो मेरे से बड़ा है एज में या यू नो फाइनेंस में बट मैं तुषार सर बोलिए बस उनको ये सुनना है खैर हम बात करते हैं रियल एस्टेट पे तो समझ गए आपका क्या है अब रियल एस्टेट जैसे ही आता है कोई भी चीज आने के बाद आपको सबसे पहले आपने गोल सेट करने पड़ते हैं कोई भी चीज बाद में शुरुआत होगी पहले आपको क्लियर कट लक्ष्य मैं क्यों कर रहा हूं ये बातें अगर मुझे ये नहीं पता है गोल ही नहीं पता तो मैं क्यों करूंगा किसी की हाँ हुजूरी मैं उन्होंने क्यों कॉल किया जाकर टीवी देखता हूँ फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ वैकेशन पे जाता हूँ क्यों क्योंकि ये मेरा ये गोल है जिसके वजह से मैं काम कर रहा हूँ मुझे ये पसंद है क्या
नहीं है। धरती पे किसी को भी किसी को जाके मस्का मारना पसंद है क्या? नहीं है। कोई बोलता है मेरा पैशन है, झूठ है बॉस। मेरा पैशन, मेरा ड्रीम, मेरा गोल है तो इसके लिए ये करना है, इसलिए मैं कर रहा हूं। अदरवाइज ये मेरा हटा दो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बाय डिफॉल्ट हम लोग आलसी पैदा हुए हैं, है ना, लेजी है हम लोग, कोई कुछ करना नहीं चाहता, बैठे बैठे सब हो जाए हम सब चाहते हैं, इसीलिए अलादीन का चिराग और ये सारे कॉन्सेप्ट बने हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप अट्रैक्ट करो। बट रियल में ऐसा होता नहीं है, आपको कीमत चुकानी पड़ती है हर एक चीज की। तो ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। 99% लोग फेल हुए क्योंकि उनको पता ही नहीं था मैं कर क्यों रहा हूं ये सारी चीजें। जब आपका गोल छोटा होगा, मुझे महीने में 10,000 कमाना है तो मैं कैसे भी कर लूं, क्या फर्क पड़ता है। अगर मेरा एक साइकिल लेना ड्रीम है तो मैं करूंगा क्या ये सारे एफर्ट? नहीं। पर मेरा अगर ड्रीम है कि मुझे मर्सिडीज वैन लेनी है तो मैं ये सारे काम करूंगा। तो किसने मेरे को काम करवाया? मेरे सपनों ने। तो आपका ये जो बिजनेस है एक बहुत बेहतरीन कार है, बट इसका जो फ्यूल है वो आपके सपने हैं। आपको दुनिया की कितनी फरारी दे दें, ऑडी दे दें, कुछ भी लंबोगिनी दे दें, बट अगर उसके अंदर पेट्रोल ही नहीं है तो वो काम की है क्या? नहीं है। तो आपको बिजनेस तो बहुत बड़ा मिला है, ये लंबोगिनी है, मर्सिडीज है, लेकिन आपका फ्यूल जो है आपके सपने हैं। तो सबसे पहले है कि आप अपने सपने को ढूंढो। सपने फैंटेसी नहीं होने चाहिए, उसने घर लिया मैं भी लेता हूं। तुम्हारे खुद के सपने, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सीरियसली बैठ के ढूंढना पड़ता है कि क्या चाहिए जिंदगी में। और दुनिया में हर आदमी का सपना एक अलग होगा। किसी को बहुत भीड़ भाड़ में सिटी में लेना है, किसी को पहाड़ियों में लेना है, तो दो आदमी के सपने नहीं होते। अगर आपने अपना जो मोटिवेशन है, स्ट्रांग बर्निंग डिजायर बोलते हैं, उसको ढूंढ लिया, फिर आप अनस्टॉपेबल हो। क्योंकि ये पूरा बिजनेस व्हाई और हाउ के बीच में है। दुनिया इसके पीछे भागती है कि ट्रेनिंग दो, कैसे कॉल करें, कैसे दिखाएं, हाउ हाउ हाउ। ये लोग फेलियर्स हैं, और ये जो वाय है, ये वाले सब सक्सेसफुल लोग हैं, अरबपति खरबपति सब के सब, खाली सपने जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाले को कुछ भी सॉफ्टवेयर का पता नहीं है, बिल गेट सबसे अमीर है। बेजोस ने जो अमेजॉन का है वो कभी बेचा नहीं है, सेलिंग की नहीं है, बट उसके सपने बहुत बड़े हैं। आप किसी को भी देखो, टेस्ला कार वाले को पूछो, उसके सपने हैं, चांद पे जाना है उसको। हर कामयाब आदमी सपने, वो खाली वाय के पीछे भागता, मुझे क्यों करना है। हाँ तो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे बैठे हुए चार, सुमित सबसे अगर लगता है कि बात नहीं करना आता ये, पर अगर सुमित को बोले कल शाम तक एक डील नहीं हुआ तुमको ना जेल में डाल दिया जाएगा 5 साल के, अब क्या करेगा सुमित? बोलेगा मेरे को बात नहीं करना आता, जेल में डाल दो। या सुमित बोलेगा जैसे भी है कॉल करता हूं, जो भी है आओ, इधर जाओ, गेट पे खड़ा होगा, कहीं कुछ भी करेगा, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं कोई एफर्ट, ये अगले सेकंड से चालू हो जाएगा उसका काम। तो क्या हुआ, उसको वाय समझ में आ गया, अगर नहीं किया तो 5 साल जेल में रहना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी, रोटी नमक खाना पड़ेगा, इतनी तकलीफ होगी। आदमी को दो ही चीज मोटिवेट करता है, या तो फियर या तो ड्रीम। अब इसका फियर मोटिवेशन हो गया, भाई नहीं किया तो क्या होगा, समझ गए? तो कहां से आ गया? सिंपल। या इससे भी बड़ा आपका इमोशनल जो रहता है वो बहुत डेंजर रहता है कि नहीं किया तो तुम्हारे बच्चे को किडनैप करके लेके गए, वापस नहीं देख पाओगे, कल तक में 3 डील होनी चाहिए। मेरा तुम्हें ऐसे बोले बच्चे को ले जा रहे हैं, अगर चाहिए वापस कल तक में इतना करके दो, क्या बोलोगी? कैसे करना है लिस्टिंग, ये बोलोगे? ना सोओगे, ना जागोगे, ना खाओगे, ना पियोगे जब तक आप अपना सपना नहीं वापस लाते। और कैसे होगा तुम्हें भी पता नहीं। सॉरी, तो अक्सर देखा गया है कि 3 की जगह 5 कर डालता आदमी, फिर उसे रियलाइज होता है ये ताकत तो पहले से ही थी, ये निकली क्यों नहीं है अंदर से, क्योंकि हमारे पास ये नहीं था। ये कुछ भी सिखाया जा सकता है रियल एस्टेट करने के लिए। मुझे लगता है 5वीं क्लास कोई है पढ़ सकता है, हिंदी इंग्लिश सफिशियंट है। तो क्या है यहां, तो पहले ये इसी का सीधा संबंध गोल से आता है कि मेरे जिंदगी का मकसद क्या है। दुनिया में सारे फेलियर लोग, मतलब एक वैकेशन अगर जाना है तो वो 6 महीने 3 महीने प्लानिंग करते हैं, कौन से होटल में रुकेंगे, क्या कपड़े लेके जाएंगे, क्या ट्रेवल करेंगे, क्या खाना होगा, कहाँ कहाँ घूमेंगे। 10 दिन की वैकेशन के लिए 10 महीने 5 महीने प्लान करते हैं, पर पूरी जिंदगी जो पड़ी है 60-70 साल कोई प्लानिंग नहीं है। अगले महीने मुझे क्या करना है, मुझे पाना क्या है, मेरा भविष्य क्या होने वाला है, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं।
पांच दिन की छुट्टियों के लिए इतना प्लानिंग, इतना शॉपिंग, ये और पूरी जिंदगी के लिए कुछ भी उनको पता नहीं है। किसी को भी पूछ लो जो फेल है, जो आम आदमी की क्या है अगले महीने, क्या अगले महीने, काम करो। लोग जॉब पे जाते हैं, जॉब पे जाओ, क्यों जाते हैं जॉब पे, पेट भरना है, EMI भरना है, कोई गोल नहीं है उनके पास। तो होगा क्या, तुम गोल होगा ही नहीं तो अचीव कैसे करोगे, इसीलिए लोग फेल होते हैं। और ये बड़ी दिक्कत की बात है कि धरती पे एक भी यूनिवर्सिटी में कभी बताया ही नहीं गया कि सपने देखना है, बस सीक्रेट कुछ भी नहीं है, सक्सेस का एक ही सीक्रेट है, सपने देख, अपने आप पूरे हो जाएंगे। मेरा कभी ऐसा सपना था कि मैं ऐसे ऑफिस में बैठूं, बिना सपना देखे तो नहीं होता ना पैदा, पहले आप सपना देखते हो फिर रियल में होता है। मुझे सपना था कि कार चलाऊं, जो भी मैं सपने देखा वो होते गया। तो पहले सपना, अगर मैं देखता ही नहीं तो होता क्या ये, कोई ऐसे धरती पे बता दे, मैं तो कभी कुछ चाहा नहीं, मांगा नहीं, अचानक ही कहीं से आ गया, होता ही नहीं है। तो ये दुनिया में चीजें अबंडेंस में पूरी भरी हुई, आप सपना देखो, अट्रैक्ट करो और आपके पास हो जाएगा, कैसे होगा हम नहीं जानते। तो ये इसका मारा मारी। तो सबसे पहले आपको ना 5 ड्रीम लिखने होते हैं, मैं क्यों आया हूं बिजनेस में, ये क्लियर नहीं है तो ये कितना भी सिखाया जाए, कितने भी वीडियो देख लो, कितने भी बुक, कोई फायदा नहीं जब तक तुमको, मैं कितना भी, आपको भूख नहीं है, मैं खाना इतना बना के लाया हूं, बहुत बढ़िया है, खा, ये है इसमें, ये है ये, आदमी को भूख नहीं है, खा सकते हो क्या, जो मर्जी दे दो आपको, पेट भरा हुआ है, मेरा कोई सपना ही नहीं, मेरे अंदर भूख ही नहीं है, मैं तो सेटिस्फाइड हूं, मेरे को महीने का शाम को 2 वड़ा पाव मिल जाए, सुखी हूं, तो क्या फायदा ये ट्रेनिंग का, किसी पे कोई फर्क होगा क्या। और अगर आपके सपने बड़े बड़े हैं, आप अपने आप ढूंढ लोगे, गूगल कर लोगे, बुक पढ़ लोगे, इसके पास जाओगे, सामने वाला कैसे भी सीख लोगे। वो एक लव्य था ना, उसने कैसे सीखा था तीर चलाने के लिए, कैसे सीखा था उसने, पुतला बनाया था अपने गुरु का, द्रोणाचार्य का, उसने पुतला बना के और पुतले से सीखते रहा इंस्पिरेशन लेके। इतना बड़ा इतिहास है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, जब तुम्हारा ड्रीम है सबसे और सबसे बड़ा बनाओ। अर्जुन को तो बहुत ट्रेनिंग दी गई, लेकिन अर्जुन से भारी ये था, लेकिन इसके गुरु को लगा कि ये मेरा जो मेन चेला है वो हार जाएगा, तो उसके अंगूठा ही दक्षिणा में मांग दिया है। बहुत बड़ी स्टोरी है ना। तो आप सोच सकते हो कि आदमी चाहे तो सब जगह से सीखने को है। हम गोल के पे आ गए। अब जब सेकंड लेवल, ये सबसे 80% रोल है कि हमें पता होना चाहिए क्या है, 20% है फिर ये बिजनेस में क्या करना है। तो वो होता है बेसिक, कोई भी धंधे में बेसिक्स कुछ करने पड़ते हैं। तो ये रियल एस्टेट में क्या है, आपको लिस्ट करना है, जिसको हम डेटा बोलते हैं, जिसको हम लीड बोलते हैं। आपको प्रॉपर्टी निकालनी है, सिंपल, ये इस पूना शहर में जिस एरिया में मैं कर रहा हूँ वो कौन कौन है जो बेच रहे हैं, जो किराए पे देना चाहते हैं। सो सिंपल, ऑनलाइन आपको डाटा मिल जाता है। आज के डेट में ये इतना इजी हो चुका है, पूछो मत। आज से 10 साल पहले ये कंप्यूटर इतने नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, सोचो कितना तकलीफ आती होगी एक ब्रोकर को कि कौन बेच रहा है जानने के लिए। या 20 साल पहले जाए तो जब लैंडलाइन फोन होते थे तो कैसे समझेगा भाई, कहां से ये सब मिलेगा। ये ऑनलाइन ने इजी कर दिया इतना आसानी से। तो आपके लिए तो क्या है, देखा, सर्च किया, आपको 200 से 250 प्रॉपर्टी निकालनी है अगर एक बिजनेस चलाना है तो। मतलब क्या किया मैंने, दुकान खोला, दुकान खोलने के बाद क्या करते हैं हम, उसके अंदर सामान भरते हैं। पहले हम सामान भरते हैं ना, कि पहले कोई आएगा बोलेगा 2 बिस्किट बिस्किट पैकेट देना, तो हम जाते हैं फिर लेके आते हैं, ऐसा नहीं होता, हम पहले से भर के रखते हैं। सेम कि ऐसे नहीं कि आपने ऑफिस चालू कर दिया, अब वो आएगा बोलेगा 3 BHK चाहिए, अब मैं ढूंढ रहा हूं, ऐसा नहीं होता। आपके पास कुछ कलेक्शन होता है प्रॉपर्टी का, 1, 2, 3 किराए पे, कमर्शियल, जो भी है। तो आपने क्या किया, लिस्टिंग, ये कितनी होनी चाहिए, 200 से 250। अब सबसे बड़ी चीज, ये प्रॉपर्टी लोग बोलेंगे कहां से लाएंगे, अगेन ऑनलाइन है, उसके बाद कहां से आएगा, ऑफलाइन। तुम जाके सबको बताते हो मैं रियल एस्टेट में हूं, 10 से बताते हो, एक बोलता है यार मेरे को ये मेरा घर देना है। सिंपल, आप कोई भी बिजनेस चलता है तो इसी, आप होटल खोला क्या होता है, होटल खोलते हो, बोर्ड लगाते हो, पहले दिन ही नहीं चलता, फिर आप कार्ड बांटते हो, ब्रोशर बांटते हो अपने एरिया में, कुछ बैनर चिपकाते हो कि नया ओपन हो रहा है, ये वो प्रमोट करते हो बस। तो मार्केटिंग आता है यहाँ पे, वही आपने करना है। तो लोग आएंगे आपके पास। अब ये जो लिस्ट है, ये मेरी लिस्ट ऑनगोइंग होनी चाहिए। सबसे ज्यादा स्ट्रगल होता है ये लिस्ट से प्रॉब्लम, क्योंकि ये शुरुआत है, पहला लेवल है। अगर आज 4 प्रॉपर्टी थी मेरे, मतलब 200 थी, 4 बिक जाएगी ना, तो रहेगी नहीं। आज 4 बिक गई तो मेरी 196 है, ये 200 के नीचे, तो आज 4 नहीं मेरे को लानी है, समझ रहे हो।
चार निकल रही है आपके पास, अगर ये आनी बंद हो गई, 200 थी और 150 हो रही है, जो अभी नेहा का प्रॉब्लम है, यू नो प्रॉपर्टी तो बिक गई, अब क्या करें? तो ये सबसे फ्रस्ट्रेशन वाला तरीका रहता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर एफिशिएंसी है, सब कुछ है, पर प्रॉपर्टी नहीं है। अब हायर कर लिया चार लोगों को, रेंट आ रहा है इतना, लिस्टिंग का इतना पैकेज ले लिया, सब इन्वेस्टमेंट कर लिया, ओवरहेड बढ़ा लिया, लेकिन मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, अब क्या करेंगे हम लोग? सबसे खराब सिचुएशन है। तो आपको ऐसा सिस्टम डेवलप करना है कि आपकी प्रॉपर्टी आती भी रहे। अगर दो रेंट आउट हो गए हैं तो मुझे आज दो नए फ्लैट डालने हैं, सिंपल है, नहीं तो आज नहीं तो कल वो प्रॉब्लम आने वाली है। अब कैसे आएगी? अगेन आप सर्विस देते हो, रेफरेंस मांगते हो। अगर मैं अभिलाषा में एक को फ्लैट दे दिया तो सर आपके और कोई, हाँ मेरे एक दोस्त का भी है, जरूर वो दो तीन लोगों को जानता है, इनके सर आपको अच्छी सर्विस ली है तो उनको भी बता देना कि हम लोग करते हैं, हम आपको ऐसे ऐसे देंगे। बोलना पड़ता है, लोग सोचते हैं आप वो खुद बताएगा, मेरा हो गया इनका ले लो, हो सकता है एक आध बता दे, लेकिन आपको अपने बेसिक्स बहुत अच्छे आने चाहिए। मुझे चैन नहीं पड़ना चाहिए, हाँ चार फ्लैट गए तो चार नहीं आए, कल और जाएंगे, क्योंकि आज हो सकता है 20 के 20 रेंट आउट कर दो तो कल क्या लॉक लगा दोगे? इसलिए हम सोचते हैं ना सब हो जाए, सब हो जाएगा ना तो आप पागल हो जाओगे। दिक्कत यह आएगी कि अरे मैंने तो 20 कर दिया एक दिन में, पर आगे तो है ही नहीं अब, इसलिए वो तीन चार जाते आते रहते हैं। और आप वो खुशी में कि 20 होते हैं एक दिन में, आप कार खरीद के लेके आओगे कि 20 हो गया 2 लाख एक दिन का कमाया, लेकिन आगे तो अंधेरा है पूरा। सबसे बड़ा काम है नई प्रॉपर्टी लाना, क्योंकि अगर तुम्हारे पास नई प्रॉपर्टी है, ब्रोकर खुद आके धंधा कर रहे हैं, नहीं है तुम्हारे पास लिस्टिंग का पैकेज, नहीं किधर जा रहे हो, एकदम एड़े हो, टेढ़े हो, आकड़े हो, अपॉइंटमेंट लेना नहीं आता, विजिट कराना नहीं आता, कुछ नहीं, प्रॉपर्टी है, मालूम है सबको कि इधर जाओ इसके पास है, वो आएगा, वो सब सेट करके गाड़ी में बिठा के मस्का मार के सब सेट करके तुमको पैसा देता रहेगा। इतना आसान धरती पे कोई बिजनेस नहीं है। तो क्या इंपॉर्टेंट है? क्लाइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनर इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा कभी कभी हम उड़ी मारते, बहुत जेन्युइन क्लाइंट है, बहुत बिग शॉट है, डाउन पेमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे पास प्रॉपर्टी है ना, 10 आएंगे बिग शॉट। ओनर ने केवल एक्सक्लूसिवली अगर मुझे दे दिया है किसी फ्लैट की चाबी, तो उसने फ्लैट की चाबी नहीं पैसे दे दिए हैं। अगर तुम्हारे पास विजन है, वो देखना है कि यार ये आज नहीं तो कल तो जाएगा, ये पूना है, कोई भंगारवाड़ी नहीं है, यहाँ के फ्लैट रहते नहीं है, तो ये 40,000 रुपए है, तो ये कितना ओनर को मैं हम्बल रहूंगा, कितना अच्छी सर्विस दूंगा, कैसे कि उसको जिंदगी में दूसरी जगह देखना ना जाए, क्योंकि वो मेरे लिए पैसा है सीधा सीधा। वो जाके जो मेहनत करता है, प्रॉपर्टी लिया है, वो जितना नहीं कमाएगा उससे ज्यादा हम कमा रहे हैं एक एक फ्लैट से, सोच के देखो। अभी एक फ्लैट दे दिया मैंने रोज मिथिला में 40,000 3 BHK रेंट गया, वो साल में टेनेंट से उतना कमा भी नहीं रहा है, उसको प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, उसको महीने का 5,000 बिजनेस भरना है, उसको EMI भरना है, वो नहीं कमा रहा, उससे ज्यादा अपन साल में 2 बार रेंट आउट करके कमा रहे हैं 80,000। ये रियलिटी है, जीरो इन्वेस्टमेंट। क्या है? सर्विस मेरी बहुत अच्छी है, जो मेरे पास एक बार आया मैं चिपक जाता हूँ उसको, क्लाइंट को मैं बिल्कुल भाव नहीं देता, बोलता हूँ चल हवान दे, क्लाइंट कुछ भी नहीं है अपने लिए बॉस, याद रखना ओनर अपना सब कुछ है। अगर आप 20 से 25 ओनर को एकदम अपने जेब में रखते हो, बॉटल में डाल के रखते हो, आप करोड़पति हो रियल एस्टेट में। अगर वो 25 प्रॉपर्टी खाली आपको देता है, आप सोचो हर महीने 2 प्रॉपर्टी रोटेट करोगे, 80,000 रुपए खाली उसी का ले रहे हो आप। रोहन मिथिला जैसी सोसाइटी है तो 2 फ्लैट घुमाया मतलब 80,000 आ रहा है। बोलो मेरे को धरती पे इससे आसान है क्या? 20-25 लोग मैं बोल रहा हूँ, ना एडवर्टाइज है ना कुछ है, इतना सिंपल। अगर ये लोग आपसे खरीदने बेचने का भी डिसाइड करते हैं, ये इन्वेस्टर कैटेगरी है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है उसने, देर दो। अगर वो बेचता है साल में एक प्रॉपर्टी भी, इनमें से महीने का एक तो बेचेगा, साल भर की इन्वेस्टर है, अभी इधर का उधर डालते हैं, तब क्या होगा? 1.25 करोड़ का एक प्रॉपर्टी है, 2.5 लाख रुपए वो आएगा आपको। 25 लोग हैं, हर 2 साल का भी मैं पकड़ू तो महीने में एक हो रहा है, तो 2.5 लाख उसका आ रहा है और रेंटल से मैं कमाते जा रहा हूँ। फिर अगली बार जो वो खरीदेगा वो भी तो मेरे को ही रेंट आउट करना है। 20-25 आदमी जो केवल आपको जिंदगी भर तैयार हैं कि मैं इनकी सर्विस लूंगा, आपको कहीं रिसेशन नहीं है, कोई टप नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। बाकी जगह तो सर्विस दे दे के नाक में दम हो जाता है, 20-25 जिनको मैं एकदम जानता हूं ना, हम क्या करता है, कैसा है, क्या खाता है, पीता है, और मैं उसका ध्यान रखूं तो 12 भी अगर आपके पास है ना, तब भी आप देखो माला माल रहोगे, 1 लाख प्लस इनकम है, कितना ताकत चाहिए।
जब ये चीजों को समझोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो ये लिस्ट है, शुरुआत यहां से करनी है, उसके बाद कॉन्टेक्ट इन्वाइट। अब लिस्ट करने में कोई तकलीफ है क्या? एक तो आप क्या करते हो, रेंट के लिए, एक सेल के लिए, दो तरह की प्रॉपर्टी निकालते हो और फिर आप पोस्टिंग करते हो रेंट के लिए, सेल के लिए, ना बायर और सेलर सब यहां से मिल जाते हैं। इतनी बेहतरीन बेहतरीन साइट है कि आप ऐड डालो रिस्पांस है ही, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं कुछ भी डाल दूं ना, अगर आप खून के रिस्पांस जरूर आ जाते हैं उसको। इसका मतलब क्या है? बॉस आपके पास प्रॉपर्टी भी, बायर भी है, सब टाइम पास नहीं होते, सब खरीदेंगे भी नहीं। इतना आसान होता कि हर दिन मेरे को 20 लिस्टिंग आती है और 20 के 20 खरीदे तो मैं अंबानी बन जाऊंगा। ये तो सिंपल बात है, सब तो नहीं खरीदेंगे, इंक्वायरी करेंगे, उसमें से कुछ खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? 1% 100 में से एक खरीदना चाहिए, पर मेरे तो 300-400 डीड आ रहे हैं महीने के, चार में बेचूंगा तो ऐसे ही हो गया 4-5 लाख। आप वर्स्ट एवरेज निकाल रहे हो कि 100 लोग मिले आपको जो प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, उसमें से एक को नहीं कन्वर्ट कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो फिर जाओ, फिर क्या हक क्या है तुमको इतने बड़े सपने देखने का? 100 में से 1 को तो मैं चेंज कर सकता हूँ, पर होगा क्या? 100 में से तो टाइम पास 50 ऐसे ही निकल जाएंगे, 50 में से थोड़े सीरियस होंगे, 25 है जो विजिट के लिए आएंगे, 12 लोग है जो ऑफर देंगे, 6 लोग है जो मीटिंग करेंगे, 3 लोग है जो एकदम सीरियस एकदम नजदीक नजदीक आएंगे, 1 है जो एकदम लेना ही लेना है। और मुझे क्या चाहिए? मुझे तो 1 ही चाहिए बस। पर ये प्रोसेस से आपको जाना पड़ेगा, वो 1 मैं ढूंढ नहीं सकता, 100 में से वही वो आदमी है उसको बात करूं, 99 से बात ही ना करूं। दुनिया में बोला जाता है आप क्वालिटी पे फोकस करो, यहाँ पे क्वालिटी नहीं रहती, यहाँ क्वांटिटी रहती है, आप एवरेज का गेम चलता है। कॉमन फ्लोर वाला है तो बात नहीं करेंगे, समझ गया मैं, थोड़ा सा और शॉर्ट करता हूँ। कॉन्टेक्ट इन्वाइटिंग में सबसे ज्यादा मास्टरी लगती है। यहाँ पे अगर कोई स्किल डेवलप करनी है, ये है जो आपको, लिस्ट में कोई स्किल नहीं चाहिए भैया मेरे, पोस्टिंग में क्या है, कट पेस्ट कॉपी कट पेस्ट कर रहे हो, इसमें कौन सा स्किल तुम डाल रहे हो? लीड आ रही है मुफ्त की आ रही है, कोई स्किल नहीं है। पर स्किल आएगी जब आप कांटेक्ट करेंगे और बात करेंगे, चाहे मुझे किसी का, क्या आप घर देना चाहते हो या कभी क्लाइंट को भी बुलाना है, तब भी मुझे सबसे चैंपियनशिप करनी है तो इसको कितना बेहतर बनाऊं मैं। और इसका बेहतर बनाने का कोई तरीका नहीं है, आप कुछ रिक्रिएट मत करो, नहीं मैं ऐसा तरीका बोलता हूं कि उसमें मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे बात करूंगा, एकदम फंस जाओगे। सिंपल प्रूवन स्क्रिप्ट्स हैं, उसको पढ़ोगे आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। हमेशा लोग गलती करते हैं, बड़ा कन्वर्सेशन कितना करूं मैं, अपना पूरा नॉलेज उसी पे बता दूं, नहीं नहीं हम तो इतने, हमने ये किया वो, एकदम खत्म कर दिया आपने। आपका कॉल मैक्सिमम 2 मिनट है, अगर आपने इससे ज्यादा किया तो मैं बोलता हूँ मर्डर कर रहे हो क्लाइंट का। कैसे पॉसिबल है कि आप 2 मिनट क्रॉस करते हो जब किसी को बता रहे हो तो? समझो मुझे किसी का कॉल आ जाए, सर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है? हाँ है सर। क्या क्या है, आप क्या देख रहे हैं? नहीं मैं 2 BHK देख रहा हूँ। मिल जाएगा? कितने तक का है, आप कितने तक का देख रहे हैं? मैं एकदम सिंपल, मैं खाली क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक भी आंसर नहीं लेता। हमेशा याद रखना, सवाल का आंसर सवाल होता है, जवाब कभी नहीं होता। आप कितने तक का दे देंगे, आप कितने तक का चाहिए? वो क्या बोलेगा, 40 तक का मिल जाएगा, कब देखना है? अपर फ्लोर मिलेगा, डाउन मिलेगा, मिल जाएगा, कब देखना है? नहीं अपर डाउन में से क्या क्या है, आपको क्या क्या चाहिए? अब मैं किसी से कॉल लेता हूँ, कौन है सबसे टफ, क्या चैलेंज आता है अभी बताओ, प्रॉपर्टी निकालने का। एक है, मैंने कॉल कर दिया और ओनर है तू, मैंने फोन लगा दिया, गुड मॉर्निंग सनत बोल रहा हूँ कारगिल प्रॉपर्टी से। गुड मॉर्निंग, आपका कोई फ्लैट है रोहन अभिलाषा में रेंट या सेल के लिए? ओके, तो आप खुद रहते हैं या कुछ आप देख रहे हैं रेंट या सेल के लिए? ठीक है मैडम, अगर आपको कुछ लगे तो मैं सनत ठाकुर बोल रहा हूँ, मैं अपना आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। और जो सेलिंग के यहाँ पे प्राइस हैं वो 55 में ब्रीडर 2 BHK बेच रहा है, पर हम लोग आपको अच्छा कीमत दिला देंगे, और हम लोग खाली रोहन अभिलाषा के लिए काम करते हैं, कभी कुछ लगे तो बता देना। ठीक है, ओके, मैं आपको बता। अगर मेरे को 1,00,000 बार बात करना पड़े तो मैं इसके अलावा 1 सिंगल वर्ड ना कम करूंगा ना ज्यादा करूंगा। तुम पूछ लो, तुम्हें फ्रेजेंसी की ओनर हो, तुम अपने हिसाब से बात करो, पर मेरी स्क्रिप्ट में 1 सिंगल वर्ड का चेंज नहीं होगा। मेरे ये दिमाग तो सिंपल है, क्योंकि जब मैं 1 बार 10 बार ये बोलूंगा तो मेरे को 100 कैसे उठा दो? गुड मॉर्निंग, चलो सनत बोल रहा हूँ कारगिल प्रॉपर्टी से। हाँ बोलिए। आपका फ्रेजेंसी में फ्लैट है? हाँ है ना।
कुछ आप देख रहे हैं रेंट या सेल के लिए? लेकिन आपको मेरा नंबर किसने दिया? मुझे डाटा बैंक से मिला था आपका नंबर। ये डाटा बैंक आपको कौन प्रोवाइड करता है? ऑनलाइन। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे करवाने का, क्योंकि मुझे खुद होके सेल करना है या रेंट करना है, जो भी मेरे को करना है मैं कर लूंगी। ठीक है मैडम, कोई ब्रोकर से नहीं करना है। ठीक है मैडम, आप चाहते हैं कि आपको सेल करना है लेकिन आप ब्रोकर से नहीं डायरेक्ट करना चाहते हैं। yes, मैडम ठीक है आपने जो बोला, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ आप क्यों नहीं ब्रोकर से करवाना चाहते हैं? क्योंकि मैं खुद जाके पोस्ट करूंगी, खुद मैं क्लाइंट लाऊंगी, तो मेरे हिसाब से मैं उनको दे सकती हूँ। बिल्कुल मैडम, पर अगर मैडम आप चाहें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह सोचते हैं डायरेक्ट करें, पर अगर आप किसी का हेल्प लोगे आपका डायरेक्ट हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो भी अगर किसी का हेल्प लोगे उससे अगर आप जो चाहते हो वही चीज या उससे अच्छा करके दे, तो आप उसका हेल्प देना चाहोगे? तो क्या आप क्या प्राइस दिलवाओगे? आप बोलो मैडम, जो आप बोलोगे हम तो आपको क्या करते हैं, हमारा काम कोई बिकवाना या ऑफर देना नहीं है। मेरे पास क्लाइंट है, मैं उनको आपको प्रोवाइड करूंगा, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। हफ्ते में 3 से 4 लोग मैं आपको विजिट दे सकता हूँ, बाकी लेकिन अगर मेरे प्राइस के हिसाब से क्लाइंट नहीं आ रहा है तो खाली एंटरटेनमेंट होते रहता है, फिर इतने बार विजिट कराओगे सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो बिल्कुल मैडम, मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसे मतलब बार बार परेशानी होगी, इसलिए मैडम आप मुझे क्या करो, अपनी परेशानी बचने के लिए बता दो कि इतने वाले क्लाइंट को लेके आना, मैं उतना बोल के लाऊंगा। ठीक है, मैं पहले चेक करती हूँ मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, मुझे क्या करना है, फिर मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगी। ठीक है मैडम, तो कल मैं 11 बजे कॉल करूँ आपको? नहीं, मैं करती हूँ आपको। मैडम आप भूल जाओगे कॉल करना, इतना कहाँ याद रहता है, आप देख लेना, नहीं तो कल 11 बजे मैं आपको कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अब इससे कौन क्या तकलीफ दे सकता है, वो ऑनलाइन भी पूछे कुछ भी करे, तो मुझे क्या करना है। अब इसको मैं 100% कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इनका कंसर्न पसंद है कि तकलीफ होती है बेचने में ये वो। अब मैं अगर 11 बजे कॉल करूंगा, अब तुम तैयार रहना, अब देखो कैसे मजा आएगा। गुड मॉर्निंग मैडम, सनत बोल रहा हूँ। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए। कल आपने बात की थी ना वो आपका घर, हाँ, और आपको अच्छी कीमत चाहिए थी। आप यही चाहते है ना मैडम कि आपको अच्छी कीमत मिले, आपको कोई तकलीफ भी ना हो। अभी वहाँ पर क्या है कि मैं रहती हूँ, मेरे घर में एजेंट लोग रहते हैं, तो खाली वीकेंड को मैं प्रिफर करूँगी कि आप विजिट करा दो, वो भी मॉर्निंग को या इवनिंग टाइम को, क्योंकि दोपहर को मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, अगर ये पॉसिबल है। ओके। और अभी 2 BHK का मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, 1-15 तक मुझे मिल जाए, अगर इस रेंज में अगर आपके पास क्लाइंट है जेन्युइन है तो भी आप लेके आना उसको विजिट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैडम मैं यही आपसे बोलना चाहता है इनफैक्ट कि हमारा जो आता है क्लाइंट वो वीकेंड पे ही आता है, मंडे टू फ्राइडे तो हमको जरूरत ही नहीं है। और जो आपने प्राइस बोला मैं वही बोलने वाला था, इनफैक्ट हम ट्राई करेंगे इससे अच्छा आपको दिलाएं, तो आप भी 2 पैसा हमको ब्रोकरेज दोगे तो आपका भी फायदा करके देते हैं। कोई बात नहीं मैडम, आप देखो आपका काम अच्छे से करा के दे देंगे, एक बार हमारी सर्विस देख के देखो आप। थैंक यू मैडम, फिर मैं फ़ोन करके आ जाऊँगा, हमारे ऑफिस से बंदा जो है ये देखता है आपका एरिया, वो कॉल करेगा और मैं उसको बोल दूंगा सैटरडे संडे ही केवल आपको दिखाए, और जो इस बजट वाला है। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। कौन क्या कर सकता है इससे ज्यादा बताओ मुझे, कितना भी डेंजर मेरे को क्लाइंट दे दो, तू समझ और डेंजर बन गया, तू और डेंजर बन, चल बोल के देखो कोई और वापस। मैंने अब और कौन सा इशू आता है बता, एकदम कि मैं पुलिस केस करने जा रही हूँ कैसे, मैं देखो कैसे काम डाउन करूंगा, बस सिंपल रहूंगा। गुड मॉर्निंग, मैं सनत बोल रहा हूँ कारगिल प्रॉपर्टी से। कहाँ से? कारगिल प्रॉपर्टी से बोल रहा हूँ। अच्छा बोलिए। ये आपका फ्लैट है कुछ रेंट या सेल के लिए? आप पहले मुझे ये बताइए आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैडम आपका नंबर मेरे पास तो पूरा डाटा ही है, तो रोहन अभिलाषा में फ्लैट है आपका, तो पूरा नंबर ही है मेरे पास सभी। कहाँ से मिलता है आपको ये डेटा? देखिए आप बता दीजिए हमें, हम मतलब बिल्कुल मैडम, थैंक यू आपने मुझे ऐसे बोला, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, मुझे खाली क्या है मोबाइल में चेक करना है, मतलब बात करते करते कैसे मैं आपको बता पाऊंगा, उसके लिए मैंने 5 मिनट बोला था और मैं आपको फिर फोन करके बताता हूँ। पर खाली इतना बता दो आप खुद रह रहे हैं या कुछ है आपका? जी हम रह रहे हैं, लेकिन अच्छा अच्छा ठीक 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 है मैडम, मेरे को एक कॉल आ रहा है बात करता हूँ। ठीक है, अगर मुझे रह रहा पता लगा तो ठीक है, अब मैं सीधा उठा के ब्लॉक कर दूंगा उसको, क्या कर लेंगे मेरा बोलो, क्या कर सकते हैं मेरा, मैं गलती से भी कुछ रफ नहीं बोलूं लेडीज स्पेशली, तो मेरा क्या कर लेंगे, अब तुम और खतरनाक बन जाओ, कितना डेंजर एकदम होते यू
bloody idiot, how dare you calling me and your people are disturbed. जो करना है करो और मैं आपको देखो कितना शांत करूंगा, ठीक है? जितना भी डेंजर कोई बन सकता है, ट्राई करो. गुड मॉर्निंग मैडम, मैं समझा नहीं आप मेरे से बात कर रहे हैं और किसी से कर रहे हैं. कहाँ से फोन कर रहे हैं आप? मैडम मैं सनत बोल रहा हूँ, कारगिल प्रॉपर्टी से. आपका फ्लैट है यहाँ पर? कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप कॉल मत करो. अच्छा मैडम आपको इंटरेस्ट क्यों नहीं है, जान सकता हूँ क्या? ना मुझे बेचना है, ना मुझे खरीदना है, ना मुझे रेंट पे देना है, मैं खुद रहती हूँ उधर. अच्छा अच्छा मैडम, ठीक है, अच्छा हो गया मैडम आपने बताया. ठीक है मैडम, आपके कोई जान पहचान में नॉलेज में हो तो बता देना, ठीक है? और हम लोग सर्विस देते हैं, हम लोग नहीं मैडम आपको फोन नहीं करेंगे बार बार, आपने बता दिया ना, अब आपको कॉल ही नहीं आएगा. मैं डू नॉट डिस्टर्ब लिस्ट में डाल देता हूँ. खाली एक ही रिक्वेस्ट है मैडम, कुछ लगे इनकेस कुछ प्लान बने तो आप जरूर हमको बताइएगा, हम लोग आप जैसे लोगों को सर्विस देते हैं. और बस यही बोलने के लिए कॉल किया था. मैं नंबर भी भेज देता हूँ, मैसेज कर देता हूँ, सेव कर दूँ. सेल्समैन मतलब चिक्कू होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, नो नहीं सुनता है वो. रिजेक्शन उसको कुछ असर ही नहीं करते, क्योंकि अगर मुझे इसकी आदत पड़ गई तो मेरे को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता. पर्सनली लेने का नहीं उसको. मेरा काम है कि अगर मैं ऐसे 10 कॉल करूंगा एक फ्लैट मिलने वाला है, मेरा वो एक को ढूंढना है. 9 तो ऐसे मिलने वाले हैं, मैं पहले से ही तैयार हूँ, मेंटली तैयार हूँ. मेरे को ऐसे नहीं कि अगर कोई बोलेगा हाँ मुझे देना है, अच्छा हो गया आपने कॉल किया, ये लो. दूसरा बोलेगा हाँ ले लो, तीसरा बोलेगा, ऐसा नहीं होता है. जब मुझे पता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जब कोई मैच होती है और मैच का आप देखते हो कि मैच नहीं देख पाए लाइव, और उसके बाद रात को आते हो 10 बजे हाईलाइट देखने बैठते हो, और आपको पता है कि मैच इंडिया जीत गया था, एक बॉल में 6 रन चाहिए थे और मैच इंडिया जीत गया था, आपको पता है न्यूज. अभी आप हाईलाइट देखने बैठते तो कुछ ऐसा होता है कि आप पता नहीं क्या होने वाला है, लास्ट बॉल सचिन भगवान ऐसे कुछ करते हो एकदम चिल एकदम ठंडा, कि मुझे पता है कि रिजल्ट क्या है. सेम जब आप इस बिजनेस में हो, आपको पता है कि रिजल्ट क्या है, 10 में से 1 मिलने वाला है. तो ये कॉल करूंगा तो क्या होगा, पता नहीं किससे 4 जाएगा 6, कोई फर्क, फाइनली मुझे पता है मैं जीतूंगा, कि 10 में से 1 मुझे यस मिलेगा, मुझे उस यस की तलाश है. और इन लोगों से मुझे इतना खुशी होती है कि ये इतने डेंजर लोग हैं तभी मैं इसमें सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों के कारण स्मार्ट लोग इस इंडस्ट्री में रहेंगे. नहीं तो कोई भी आता कूदते फांदते, ए सनत भाई बोल रहे ला, देना है क्या फ्लैट तेरे को? बोलिए हाँ हाँ देना है, आओ ना. मतलब सब अच्छे मिलते तो ये भाई लोग ही करते, कोई भी कैसे भी कुछ भी बोलता नहीं था, ऐसे फोन कर हेलो मैडम हम ना बिजनेस करते हैं रियल एस्टेट. हाँ तो मैडम रेंट पे दे दो ना फ्लैट. नहीं क्यों नहीं मैडम, रैक वो लोग कामयाब बन जाते हैं. हमारा स्कोप खत्म था, हमसे पहले बहुत सारे लोग आए और वो इन लोगों को नहीं झेल पाए इसलिए वो भाग गए. तो हमारे जो मजबूत लोग हैं उनके लिए मैदान एकदम साफ है. और इंडिया में हमसे बेहतर कोई नहीं होगा अगर आप ये जो फोन कॉलिंग का डर है निकाल देते हो, क्योंकि जब 3 ना सुनते हैं तो 4th ना के लिए फोन मेरे को 10 kg का लगता है. अगला कॉल जैसे नो रिप्लाई हो गया, जान नो रिप्लाई हो गया, नो रिप्लाई लिख दो. इसने बोला बात करता हूँ थोड़ी देर में, हाँ ये भी बच गया, नहीं तो वो घंटी बजती रहती क्या. हेलो नहीं फर्स्ट टेल मी हाउ डू यू गेट माय नंबर, आई एम गेटिंग सो मेनी कॉल्स, यू नो यू पीपल ट्राई रेगुलेशन बोलेगा. दिमाग खराब यार, सॉरी सॉरी सर, प्लीज प्लीज सर, सॉरी सॉरी सर, आई विल नॉट कॉल, सॉरी सॉरी. और तुम जितना डरते नहीं हो ना तो कुछ नहीं. अभी तू एक डेंजर वाला ले कॉल ऐसे जैसे आदमी, करना ट्राई. गुड मॉर्निंग सर, निखिल सर बोल रहे हैं? हाँ बोलिए सर. आपका नंबर मेरे पास था, कुछ प्रॉपर्टी है आपकी रोहना विलासा में रेंट के लिए या सेल? प्रॉपर्टी है लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे सर अभी हमारा तो काम है रियल एस्टेट का, तो हमको पता करना पड़ता है सर. नहीं आपको डाटा कहाँ से मिलता है बार बार आप कॉल कर रहे हो? अरे डाटा तो सर बच्चे बच्चे के पास है, पूरे वागोली में अभिलाषा का डाटा है सर. किसी के पास नहीं, आपकी तरफ से ही फर्स्ट कॉल आया मुझे. अच्छा तो सर आप क्या बात है, मैं किस्मत वाला समझू अपने आपको कि आपका किस्मत है आपने कॉल किया हमें, हमारा टाइम खराब कर दिया. मैं जा रहा था आपका, आपने कॉल कर दिया. क्यों कॉल कर दिया आपने? बस यही पूछने के लिए सर. नहीं नहीं क्यों पूछा आपने?
नहीं कहीं जा रहा हूँ अच्छे काम के लिए, आपने फोन करके डिस्टर्ब कर दिया। सर आप एक बात बताऊं सर, अगर आप वाकई अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, देखना आपका काम 100% हो जाएगा सर। नहीं हुआ तो आप करवा देना। बिल्कुल बिल्कुल सर, चलो ये बांध दिया सर। आपका अच्छा लगा मेरे को तरीका बात करने का, आप बहुत दिलदार आदमी है सर, सही है क्या? नहीं यस सही है। किसी को भी मैं बोलूंगा सर आप बड़ी अच्छे से बोलते हैं, मुझे ये बात अच्छी लगी, वो क्या बोलेगा? हाँ मैं अच्छा तो हूँ, लेकिन तुम कॉल क्यों कर रहे हो? सर मैं आपको बताऊं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आई लाइक योर स्टाइल, कि क्लियर बात करते हैं। मैं भी आपकी जगह होता, मेरे को बार बार फोन आते, परेशानी होती, इसमें क्या है? बहुत अच्छा, आप तो भी इज्जत से बात कर रहे हैं सर। मैं तो गालियां देता, गालियां बोलता नहीं, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि गालियां। डाटा से मिला आप बता दीजिए ना। डाटा सर आपको बता देता हूँ, आप आ जाओ बैठेंगे बात करेंगे पूरा आपको, आपके घर के सामने सर, रोन अभिलाषा में, वहाँ पे कौन आप बैठे हो? यस आ जाइए, अगर मैं नहीं भी रहता तो मेरा मैनेजर आपसे मिलेगा। नहीं मुझे आपसे ही मिलना। अरे नो प्रॉब्लम सर, फिर मैं आता हूँ आपसे मिलने, कब आ जाऊँ बोलो? 1 बजे आ जाइए। ठीक है 1 बजे सर, मैं ट्राई करूंगा जमा तो आ जाए। नहीं आपको आना पड़ेगा, नहीं तो कॉल मत करना। ठीक है सर चलो मैं ट्राई करता हूँ, अगर जमा तो आ जाते हैं और आपको आराम से बैठ के पूरा बता देते हैं। ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या कर लेगा सामने वाला अगर तुम बोलने में इतने एक्सपर्ट हो, कितना भी कमी ना हो, सीधा कुछ भी बोले, एकदम कुछ भी बोले। समझो मैं अभी, मैं डेंजर आदमी, तू कॉल कर, हैंडल कर मेरे को अभी। मेरे को फोन आएगा, मैं कैसे करता हूँ आपको बता, मार्केटिंग पहले मैं ऐसा सस्पिशियस ही देखूंगा, अननोन नंबर सेव नहीं, पहले देखूंगा क्लाइंट हेलो, ऐसा बोलूंगा एकदम, गुड मॉर्निंग सर वी आर कॉलिंग फॉर, किसने नंबर दिया, क्यों कॉल करते हो? तुम लोग को ना साले चोर हो तुम लोग, हरामजादे फोन करते रहते हो क्लाइंट लोगों को, ये डू नॉट डिस्टर्ब, मालूम नहीं है तेरे को? तेरा पुलिस कंप्लेन करूंगा, लीगल एक्शन लेने वाला हूँ, तेरा मेल बता तू कौन क्या क्या। सर सॉरी सर, क्या सॉरी, आइंदा कॉल किया तो देखना तुम्हारा, मैं इतना गंदा हूँ मैं तो, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मेरे को तो किसी ने इतना भी नहीं बोला, जाके देखो। और मैं थक 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 ब्लॉक, हर पांचवा कॉल मेरा ब्लॉक मिलेगा तुमको, वाकई इससे भी तेरी लैंग्वेज में है। कौन सी कंपनी बोलती है, LIC, टक करके मारता हूँ रेट पे मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। और फिर बिजनेस में चैलेंज नहीं हो तो फिर मजा क्या है, सिंपल।